आपका मतलब दिखाइए आधार मोहम्मद इंशाद कहाँ के रहने वाले हैं? अरे वाह, ये मैनपुरी के रहने वाले हैं। आइए भाई साहब, ये डालिए। चलिए अब पक्के हो गए। अच्छा, मैनपुरी के हैं, दूसरी बात मुस्लिम है, अखिलेश जी के घर के हैं, गढ़ के हैं। अब बताइए माहौल क्या है? बहुत अच्छा माहौल है। किसका है? जीत रहे हैं, भाजपा का माहौल है। अरे कहाँ मजाक कर रहे हैं महाराज, आप निकल के देखिए, सबके साथ, सबका विकास, सबको आवास मिला है, सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, इससे अच्छा क्या होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान नाइन। अभी मैनपुरी में है और ये मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का घर है, यहाँ पर गढ़ माना जाता है। और कल ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं करल में, उन पर पथराव हुआ है। अब उसके बाद मैनपुरी में जनता क्या कहती है, मैनपुरी के लोग क्या सोचते हैं, जहाँ पर तीन दिन बाद यहाँ पर चुनाव है, चुनाव तीसरे फेज में है, तीसरे चरण में चुनाव होगा, उससे पहले कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे मैनपुरी का माहौल क्या है। क्या लग रहा है जी, मैनपुरी में क्या माहौल चल रहा है? अभी आपने एक बात कही कि करहल के प्रत्याशी के ऊपर पे एक वाणी कल तो हुआ, उससे पहले एक बार और हमला हो चुका है। इसका मतलब यह है कि सापा के कुछ ना कुछ धड़कन है। जो अखिलेश यादव कहते थे नॉमिनेशन करने के बाद कि मैं 10 मार्च से पहले नहीं आऊँगा, लेकिन उसके बावजूद वो बीच में आ गए। और धर्मेंद्र यादव क्या, और उनके पिताजी क्या, और तेज प्रताप सिंह क्या, वो मोर्चा संभाले जो कि कभी आज तक नहीं लगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो समझ रहे हैं कि इस वक्त कहीं ऐसा नहीं हो जैसे अमेठी में है या बदायूं है, वहाँ पटका नहीं दी, कहीं यहाँ पे भी तैयारी शुरू नहीं हो गई है, इसलिए उनके पेड़ में से नहीं है, जमीन खिसक रही है। और जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, सबसे पहले 5 साल में जिस तरह गुंडा तत्व, बदमाश और तो और सबसे बड़ी बात है महिलाओं के लिए जो स्थिति बनी है, वो इस तरह की सापा सरकार में नहीं हुई। कहाँ इतना आसान लग रहा है क्या आपको? करल है, ये मैनपुरी है, ये ऐसे नहीं है कि मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, चुटकी बजाएंगे और काम हो जाएगा। आप अभी जाके एसपी सिंह बघेल के जाके काफिला देख के आइए। हम अभी मैनपुरी उधर एसपी करहली में ही थे अभी, और वहाँ पे जिस तरह से उन्हें जन समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, उसका आपको तो खुद पता लग जाएगा कि उसमें चुटकियों से मोदी योगी के आने से होगा कि जनता चुटकियों में बजा देगी। तो लग रहा है जनता चुटकी बजा, बल्कि जनता चुटकी बजा के आपको 10 मार्च को बता देगा कि बीजेपी आ रही है कि बुलडोजर वाले बाबा का डर है। अभी कल अमित शाह जी की रैली हो रही है करहल वालों में, परसों नहीं है बाबा बुलडोजर वाले आ रहे हैं, तो बुलडोजर के डर के हमारे कहाँ जाएंगे वो नहीं पता लगेगा। बुलडोजर का ज्यादा हिसाब किताब है। हाँ बिल्कुल, इतिहास हिसाब किताब है बुलडोजर का। अरे बुलडोजर के करते ही तो शांति व्यवस्था बनी है, वो माफिया या तो शहर छोड़ गए, या नहीं शहर छोड़ गए, या प्रदेश छोड़ गए, या जेल में भाग गए कि बुलडोजर बाबा में आ गए, कहीं नहीं हमें ऊपर राम नाम सत्य नहीं हो जाए। अच्छा सरदार जी, देखिएगा आप भारतीय जनता पार्टी के गुण गा रहे हैं, कहते हैं ये तो सिखों के खिलाफ मानी जाती है पार्टी, हो उधर बैठे थे आंदोलन में, सिख बैठे थे वहाँ पर, ऐसा है कभी खालिस्तानी, कभी मवाली, कभी पाकिस्तानी, ऐसा है। आप जो कह रहे हैं सिखों के खिलाफ है, करतारपुर कॉरिडोर कौन सी सरकार ने खोला है? और अमृतसर में जो दरबार साहब है वहाँ पे जो बाहर से जो लंगर की व्यवस्था होती है उसके लिए टैक्स किसने हटाया? उसके बाद कॉरिडोर को छोड़िए, और सिख जो है उन्होंने 500-550 साल गुरु नानक देव जी का गुरुपर्व है, उसमें कौन सी सरकार ने नया डेलीगेशन बनाया? वो देश ही नहीं विदेशों में भी बड़े जोर शोर से बनाया। और तो और सुनिए, आप उत्तर प्रदेश के आ जाइए, उत्तर प्रदेश की सरकार में आज तक नहीं है राजभवन में किसके जो यानी वहाँ पे प्रोग्राम होते थे, मैं शायद बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन पहली दूसरी बार ये तीसरा प्रोग्राम हुआ है, 3 बार नहीं है राजभवन में प्रोग्राम है, 4 साहेबजादा दिवस। अगर साहेबजादों ने अपनी कुर्बानी देश के खातिर नहीं दी होती, अपनी शहादत नहीं दी होती, तो इस देश का परिदृश्य ही कुछ होता। तो आप इस चीज़ को तो रहन दीजिए, इसको छोड़िए, मुसलमान समाज भी जो पढ़ी लिखी जो समाज है, आप जाके दिल्ली आइए, वहाँ पे नहीं है वो 3 तलाक, और जिस तरह से राशन जो कि कोरोना पीरियड में इतना टिपिकल कारण में मिला है, आप जाके परसेंटेज देख लीजिएगा मशीन में कि महिलाएं कितने वोट दे रहे हैं। कहाँ मजाक करने लग गए सरदार जी, मेरे साथ मुसलमान वोट दे देगा भाजपा को? आप नहीं है, आप जाके देखिएगा। मैं देखिए पहला चरण कवर किया, मुजफ्फरनगर, बागपत, बड़ौत, आगरा, ये सब मैं कवर करके आया। मैं भी आगरा रहने वाला हूँ, मैं भी उसके बाद सहारनपुर भी कवर करके आया, आगरा का ही रहने वाला मुसलमान। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आगरे का ही रहने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँ, आप जो कह रहे हैं आगरे, वहाँ पे एक प्रत्याशी है योगेंद्र उपाध्याय, मैं आपको बताऊँ योगेंद्र उपाध्याय जिनके खिलाफ, वो क्योंकि ब्राह्मण है तो 2 बार तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्य सचेतक है, तो उनके लिए ये था कि पहले मुस्लिम प्रत्याशी है साहब, वो उनके वोट आपस में कट जाते हैं, इसलिए प्रत्याशी नहीं जीत पाता है। इस बार
वो क्योंकि ब्राह्मण है इसलिए दो ब्राह्मण और आए, अलग अलग पार्टी, बसपा से ब्राह्मण आए और एक कांग्रेस से ब्राह्मण आए। उसके बाद वैसे से उन्होंने उतार दिए सापा से, कि भाई वैसे उनका वोट बैंक है वो उतार दिए, फिर भी आप देख लीजिएगा उनकी जीत हो रही है। तो ये आप कैसे आप भ्रम में रखेंगे? अरे इतना होने के बावजूद अगर सब कम्युनिटी हमें वोट दे रही, हम बीजेपी में सब समाज का वोट मिल रहा है। वैसे कहते हैं तो हिंदू हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करती, और आप कह रहे हैं मुसलमान वोट नहीं। तो हम हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदू की बात करेंगे ना, ओबीसी की थोड़ी बात करेंगे। अरे ओबीसी जाए हैदराबाद चला जाए ना, हैदराबाद जाके वो बैठे बैठे बात कर रहा है, अगर है वो है तो आगे बात करे ना। उसे चैलेंज दिया उसे आके कि यहाँ लड़े, हमारे योगेंद्र उपाध्याय जी ने चुने चैलेंज दिया कि हमारे खिलाफ चुनाव लड़ ले। तो ओबीसी बाहर बैठ के हैदराबाद बैठ के बातें बनाना और यहाँ बैठ के जमीन पे जाके काम करना धरातल पे, वो अपने आप में अलग। हिंदू हिंदू से काम चल जाएगा? आप कह रहे हैं हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदू हिंदू की बात, हिंदू हिंदू की बात छोड़िए, विकास सबसे बड़ी बात है, क्रिमिनल सबसे बड़ी। आप ये देखेंगे क्रिमिनल को जिसने कंट्रोल किया, और तो और आपको देखिए कौन सा काम नहीं हो रहा है। अरे आजकल नहीं है सुरक्षा है, व्यापारी जो तबका है जो अब जुड़ा हुआ है, अगर व्यापारी तबका अगर सुरक्षित है और मूवमेंट कर रहा है तो इससे ज़्यादा सुरक्षित क्या है? कब कब कौन घर लौट के आएगा नहीं आएगा, माँ बाप फोन कर रहे हैं, अब ये तो है कि सुरक्षित घर पे आ जाएगा। तो इसलिए देखिए ऐसा है, अब ये किला दरकता जा रहा है। अमेठी से पप्पू जी चुनाव हार गए, पप्पू जी जी मैं जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ, आप खुद समझदार हैं, जनता किसको पप्पू जी कहती है। पप्पू के साथ जी लगाकर आप बड़ा बढ़िया मजाक कर रहे हैं जी, सबके किले धड़कते जा रहे हैं। अब जनता समझदार हो गई है, जागरूक हो गई है, जनता जानती है जो विकास की बात करेगा, विकास करेगा उसी को वोट मिलेगा, जाति के आधार पर धर्म के नाम पर किसी को वोट नहीं मिलेगा। ये आप देख लीजिए, निश्चित है आने वाले समय में ये जो करहल विधानसभा है, मैनपुरी विधानसभा है, ये भी किला दरकता जा रहा है, यहाँ भी जाति के आधार पर वोट नहीं मिलेगा, सब समाज का वोट। अरे सरदार जी, अखिलेश के सपने में श्री कृष्ण आते हैं, हर रोज कहते हैं बेटा तुम मुख्यमंत्री बनोगे, और तुम कह रहे हो किला दरकता जा रहा है। हमारे सपने में भी श्री कृष्ण की बात का जवाब देता हूँ। अरे रुकिए, जब भी आप कहेंगे जो राम को लाए हमको लाए उनको लाएंगे, राम तो आ गया, बनारस आ गया, अब अगला निशाना कौन सा है? तो उसको कौन को दिखेगा? वो मथुरा है ना, तो जब उनको दिखेगा अब अगला पड़ाव तो उसका ही है। और सरकार 10 मार्च के बाद ये शर्ती है कुछ भी है, आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, ये दो चरण में तो हम लीड ले ही रहे हैं, सरकार हमारी बन रही है, उसे कोई नहीं रोक रहा, क्योंकि जिस तरह से आपस में सब समाज का वोट मिल रहा है वो कोई नहीं मिला। जैन साहब आपने बताया, क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील जैन है। जैन साहब क्या लग रहा है, क्या माहौल हो रहा है? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है, आदमी पूरी जनता इसमें पूरा योगी जी को सपोर्ट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि इसने विकास किया है, इस भारतीय जनता पार्टी ने 80 करोड़ लोगों को आज भी अनाज मुफ्त में मिल रहा है, किसी गवर्नमेंट ने दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इतना डेवलपमेंट किया है, 60 सालों में 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ पे ऐसा चला जाता था। बता रहा हूँ जैन साहब, आप जैसे लोगों की लिस्ट बना रहे हैं अखिलेश यादव, और मैनपुरी में आप खड़े हैं और योगी जी के गुणगान कर रहे हैं। सुने, देखिए मेरी उम्र तो पूरी है, वो कल मारे सो अभी मार दे, लेकिन जो सत्य है वो सत्य कहा जाएगा। मरने से नहीं डरते? अरे कैसे डरते हैं, मरना तो है ही, अरे सत्य तो मरना ही है, और किसी में दम नहीं जो मार दे। हमारे योगी जी के शासन में हम तो बहुत बड़ी चीज़ है, छोटे छोटे आदमियों को भी बड़ा संरक्षण मिला हुआ है, महिलाओं को संरक्षण मिला हुआ है, हर आदमी को अधिकार मिला हुआ है, हर आदमी कुछ कह सकता है अपनी बात। पहले तो ज़मीनों में कब्जे हो रहे थे, बहन बेटी हमारी रोड पर नहीं चल सकती थी, अब तो हर आदमी को मुफ्त में छतें मिल रही हैं, 2.5 लाख रुपये मिल रहा है। मैं कल फिरोजाबाद में गया था, फिरोजाबाद में था कल, और आज सुबह भी फिरोजाबाद में था। मैं मुस्लिम मोहल्ले के अंदर गया सैफी साहब के साथ, तो एक महिला से वोट मांगने गए तो वो निकल के आई, बोले तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं तुम्हें वोट दूंगी, मैं दूंगी मोदी को। मैंने भैया मोदी को क्यों दोगी, जो मकान देख रहे हो जो उसी ने दिया है, हमें 2 बार अनाज दे रही है, बहन बेटियाँ हमारी स्कूल जा रही हैं पढ़ने, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की, मैं मोदी को दूंगी, किसी को नहीं दूंगी। रटी रटाई बात बता रहे हैं, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मुस्लिम है? क्या नाम है? मोहम्मद उवैस। देखिए ऐसे मोहम्मद उवैस, उवैस जी हाँ, अरे मोहम्मद उवैस, एक मिनट भाई साहब, आराम से खड़ा, थोड़ा आराम से। अच्छा आप देखिए इन सब लोगों के साथ हैं जी, जी बिल्कुल, डरना नहीं है, अरे क्यों डरना नहीं, घबराने की बात नहीं है, माहौल क्या है। देखिए जैसे ही अभी आपने कहा मुस्लिम समाज नहीं है, पहली चीज ये आप लोगों की ये भूल है,
ऐसी कौन सी सरकार आई जिसने राशन नहीं दिया है? मोदी जी की सरकार आई जिसने 2.5 लाख रुपए, जिनके घरों पर रहने के लिए मकान नहीं थे, 2.5 लाख रुपया देकर उनका मकान बनवाया। ऐसी कौन सी सरकार आई जिसने राशन नहीं दिया है? मोदी सरकार आई, योगी सरकार आई, जिसने महीने में 2 बार राशन दिया। बहन बेटी आज के रात में निकल जाएं, सब सेफ रहेंगी। और आप लोग कह रहे हैं ये यानी मुसलमानी पार्टी नहीं है, कौन से हिसाब से पार्टी नहीं है? वैसे कह रहे हैं, हम थोड़ा कह रहे हैं, और वैसे कह रहे हैं हिंदू नहीं, तो आपने ये बात कही है, वैसी की बातें सुनकर हमने कह दी। वैसी तो समझ लो, बिल्कुल अगर उसे को ऐसा करना चाहिए तो वो एक सीट यहाँ से नहीं ले जा पाएगा। वैसी तो मैं बता रहा हूँ, विपक्ष हमेशा से बताता है कि तुम्हें बाहर निकाल देंगे देश से, सीए लाएंगे, एनआरसी लाएंगे, एनपीआर लाएंगे, कुछ नहीं ये छोड़ेंगे नहीं। ये कहते बार बार रोहिंग्या को देश से बाहर निकालेंगे, पहले के हमारे बाप दादा की यहाँ पैदाइश है, ऐसा कुछ नहीं है। अमित शाह को सुनते नहीं क्या? अमित शाह कहते हैं रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को एक एक करके बाहर निकाले। सब देखिए आप लोगों का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान भी पूरा यानी बीजेपी से खुश है, राशन दे रहा है, मकान दे रहा है, बहन बेटियां आज को सुरक्षित हैं, अच्छी शिक्षा मिल रही है, और क्या चाहिए से आधा? डर नहीं लगता है? बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, किसी से भी नहीं लगता है, किसी भी नहीं। हिंदुस्तानी है हम, भरोसा है योगी मोदी? बिल्कुल भरोसा है, जी जान से भरोसा। सरकार आएगी अब की बार 300 पार, 333 पार। आइए भाई साहब, आप भी मुस्लिम हैं? जी हां। नाम बताइए। मोहम्मद इंशाद। ए, बिना बात के तो नहीं बना दिए कि कोई और? चलिए दिखाइए। मोहम्मद इंशाद कहाँ के रहने वाले हैं? अरे वाह, ये मैनपुरी के रहने वाले हैं। आइए भाई साहब, ये डालिए, चलिए अब पक्के हो गए। अच्छा, मैनपुरी के हैं, दूसरी बात मुस्लिम है, अखिलेश जी के घर के हैं, गढ़ के हैं। अब बताइए माहौल क्या है? बहुत अच्छा माहौल है। किसका? जीत रहे हैं, भाजपा का माहौल है। अरे कहाँ मजाक कर रहे हैं महाराज, आप निकल के देखिए, सबके साथ सबका विकास, सबको आवास मिला है, सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, इससे अच्छा क्या होगा? इससे पहले तो कुछ नहीं था। प्लस मुस्लिम ढेर कर देंगे भाजपा को, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आप सपा की भाषा बोल रहे हैं, ये तो आप वहीं के लग रहे हैं। ये सिर्फ सपा में है, ये सब में नहीं है। क्या ये सपा की भाषा है? बिल्कुल सर। नहीं, आप तो उधर के समीकरण देखते हैं, आंकड़े देखते हैं तो बताते हैं। तो आपको स्थिति दिख रही है, यहाँ लोग हैं, जनरल पब्लिक भी है। पहला दूसरा चरण कवर कर रहे थे, सहारनपुर में थे, मुजफ्फरनगर में थे, बड़ौत बागपत देख रहे थे, लोनी गाजियाबाद देख रहे थे, तो जाट प्लस मुस्लिम। अब यहाँ पे आए तो हमें दिखा, हम घूम रहे सुबह से, फिरोजाबाद से, फिर करल सैफई से, फिर मैनपुरी में, तो लगा यादव प्लस मुस्लिम अब की बार कर देंगे काम। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ करैल में दबंगे गुंडाई हो रही है, बाकी सब जगह सब साफ सुथरा है, सब जिन्हें लाभ मिला है अल्पसंख्यक समाज सब भाजपा के साथ है, सब साथ है। बिल्कुल जी। अब सच्चाई बताइए मोहम्मद साहब, कितना परसेंट मुस्लिम भाजपा का वोट दे देगा? ये देखिए सच्चाई बताइएगा, अब झूठ नहीं बोलेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन जो दबे हुए हैं, डरे हुए हैं, वो गुप्त वोट डालेंगे। बिल्कुल। वो कैसे डरे हुए दबे हुए क्यों हैं ये बताइए? क्योंकि लोकतंत्र है, संविधान है, डरना क्यों है किसी? आए दिन आप देख रहे हैं हमला हो रहा है, जब उनके मंत्री जी के काफिले पे हुआ है तो माइनॉरिटी को भी दबा के रखा जाता है। जब मंत्री के काफिले पे हमला हो रहा है तो जो दबे कुचले मुसलमान हैं, जो सक्षम नहीं है इनसे लड़ने के विरोध में नहीं है, तो क्या लग रहा है जो समाजवादी के जो ये लोगों ने हमला किया, जो गुंडों ने हमला किया, तो क्या वो माइनॉरिटी को, मुस्लिम लोगों को दबा रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? सबको दबा रहे हैं, उनको नहीं चाहते हैं कोई अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यक के अलावा कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए उनसे, वो सिर्फ दबाव बना रहे हैं अपने पक्ष में वोट कराने के लिए। लेकिन जनता सब जान चुकी है 5 साल में कितना सेफ रहा है मुसलमान, अल्पसंख्यक और अदर कास्ट भी, और सबको साथ लेके चल रहा है। आप किसी भी टाउन गांव में ले जाइए तो आपको आवास, शौचालय सबको मिलेगा, ये नहीं कि हायर कास्ट को है, अल्पसंख्यक को भी है और लोअर कास्ट को भी है, सब कुछ मिल रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वैसे आए थे, कह रहे थे सहारनपुर में 20 मुसलमानों को घर नहीं दिए भाजपा ने। आप नगर पंचायत कुसमरा निकल जाइए, किसी भी देहात क्षेत्र में निकल जाइए, आपको गांव में जाने के बाद आपको सच्चाई मालूम पड़ेगी, कितनों को आवास मिला, कितने अल्पसंख्यकों को मिला है आवास, कितने जनरलों को मिला है, कितने एस सी को मिला है। अरे अब एक बार मैनपुरी में हम धरती पर खड़े हैं, अब एक बार बता दीजिए कितने लोग चाहते हैं मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने? एक बार हाथ खड़े। 60-70% मुस्लिम है, ये और बता दूं आपको, यहाँ जितने लोग हैं इसमें से 70% लोग मुस्लिम समाज से, अल्पसंख्यक समाज से। आप व्यक्तिगत रूप से नाम लेके पूछिए। वैक्सीन नहीं है, कौन ने नहीं लगाया?
जो बैठ के वैक्सीन को भय बना रहे थे, आज नहीं है 180 करोड़ जो हिंदुस्तान, जो कि और देशों की जनसंख्या नहीं है, वहां के लोगों ने वैक्सीन लगाई। कहां गए वो चैलेंज करने वाले, कहां गए? अब आप अपनी बात आगे रखिए। जो चार साहिबजादे की बात करी मैंने, क्योंकि आपने सिख समाज की बात करी, कौन सी सरकार ने चार साहिबजादों को मान सम्मान दिया? ये एनसीईआरटी की किताब देखिए, यूपी बोर्ड की किताब देखिए, और यूपी बोर्ड की सरकार ने उनके नाम पे जिस दिन हुई थी 25 दिसंबर को छुट्टी डिक्लेयर करी। क्या सिख समाज उससे बाहर जाएगा? नहीं जाएगा भाई। आप बताइए, आपकी बात का मैं आपसे पूछता हूँ। ये खामा खाई भय दिखाने की जरूरत नहीं है, सब लोग बिना भय के। अरे मरना तो एक बार है, वो तो जन्म पत्री लगा के आया है आदमी। अरे आज लिखी होगी, क्या पता बाहर जाके मर जाए। अरे भय करके क्या, भय तो खाते है कायर, हम कायर नहीं है, डरते नहीं, नहीं है, डरते नहीं है, अखिलेश के घर में नहीं डरते, ना भय किसी को देते है, ना भय किसी को खाते है। इसलिए इस तरह की बातें ना करें। तो डर नहीं रहा? नहीं डर रहे, ये गढ़ है। अरे कहीं भी हो, हिंदुस्तान का टुकड़ा है, भारत में रहते हैं, है भारत का हिस्सा, भारत में है, भारत माता की, भारत माता की। मौजूद 70% लोग यहाँ उपस्थित जनसमूह में 70% लोग आबादी मुस्लिम समाज की है। क्या नाम है जी? गुलाम हुसैन। क्या नाम है जी? हमारा नाम है गुलाम हुसैन। मुस्लिम है आप भी? ये क्या सिख मुस्लिम दोनों एक साथ है? लेसन दिखाएं, दिखाएं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। एक ने दिखा दिया, हम मान गए। नहीं नहीं मान नहीं। अब बताइएगा माहौल क्या है? भैया एक माहौल क्या है? हाँ भैया चालू कर लो। देखो माहौल यहाँ का बहुत बढ़िया है ना। मसला ये आ जाता है कि हमारे यादव भाई जमीनों कब्जा करते हैं, बदतमीज बोलते हैं। मुसलमान वोट है 25%, यादव भाई है 7%। हम भी पहले सभा में थे, सभा में वोट देते थे, हमारे संग गलत हुआ है तो मैं भाजपा में जुड़ गई है। और भाजपा में जुड़ने के बाद में आज जो है भाजपा की सपोर्ट कर रही है, बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रही है। यहाँ के जो हमारे प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं मैनपुरी से, वो अच्छे वोटों से जीतेंगे। जीतेंगे जी हाँ। चलिएगा, क्या लग रहा है सरदार जी, क्या चल रहा है, माहौल क्या है? माहौल बहुत अच्छा है सर, चारों सीटें हम लोग जीत रहे हैं। मैनपुरी की भाई साहब, करेल की इतनी बड़ी जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी करेल वाली। हाँ जी साहब, देख ले रहे आप। अरे कैसे होगी, समीकरण बताइए। अरे समीकरण क्यों बताए साहब, रोज तो पत्थर खा रहे, डंडे खा रहे, फिर कैसे आप जानोगे? अरे रुकिए, आप तो डंडे खा रहे, पहले सर मेरी बात सुनिए। आप तो सेंध लगाना जा रहे हैं साहब हमारे वोटों पे। हम अपने समीकरण आपको बता देंगे तो आप तो सेंध लगवा देंगे। अरे हम सेंध लगवा देंगे और क्या साहब, वे बच्ची हमारी बात को सुनाएंगे और सेंध लगाएंगे हमारे वोटों पे। अरे समीकरण नहीं बताएंगे, समीकरण नहीं बताएंगे साहब, आप जीत जाएंगे, चारों सीटें जीतेंगे सर, समाज हमारे साथ है, चारों सीटें जीतेंगे। पांचवी सीट जो हम हार गए थे संसद की, वो भी जीत के दिखाएंगे आपको 2024 में। लग नहीं रहा क्योंकि मैं भी। अरे भाई साहब क्या बात कर दिया आपने, लगेगा कमल खिलेगा 10 तारीख के बाद। आप देख लेना, आप आना, आपके गले में माला डालेंगे हम जीत की। नहीं, जीत की माला तो आप ही पहनिएगा। हमने तो पहनी हुई है साहब, हमने पहनी हुई अभी से। आप तो कह रहे हैं हमने तो पहनी हुई है, विश्वास नहीं कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, अखिलेश यादव लिस्ट बना रहे हैं। अरे भाई साहब मैं डरने वाला थोड़ी हूँ, छत्री हूँ, सिख हूँ, सिख डरने वाला नहीं हूँ मैं किसी से। नहीं डरते, नहीं डरते हैं। अरे वो कहते हैं, अरे मरना एक बार, मरना एक बार है, दो बार थोड़ी मरना, एक बार मरना। हमारे गुरु के चार बच्चे शहीद हो गए साहब, उन्होंने मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया, आप हमको डरा रहे हो क्या? मरने नहीं, आप हमें मरने से डरा रहे हो। एक ही बार मरना मैंने। अखिलेश कहते हैं, अखिलेश कहने से क्या हम डर जाएंगे? अखिलेश से क्या नहीं डरते, नहीं डरते। मैं किसी से नहीं डरता, एक परमात्मा से डरता हूँ, किसी से नहीं डरता। तो अभी क्या लग रहा है, जो सिख समाज है वो कहीं ना कहीं देखिए किसान आंदोलन के बाद एक छिटका सा नजर आया था भाजपा से, अब वापसी हुई है क्या? बिल्कुल वापसी है साहब, कुछ गलतियां हो जाती हैं, जो थोड़ी पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती। अगर कुछ गलतियां हो गई हैं नीतियां बनाने वालों से, अगर कुछ गलतियां हो गई है, उस गलती को अगर मोदी जी ने अपनी स्वीकार किया है तो वो भी सही हो गया है। तो स्वीकार किया है तो सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अरे ताऊ जी क्या नाम है, नाम क्या है? हमारा नाम फाजियम सलमान। क्या लग रहा है, माहौल क्या है मैनपुरी में? हम बताएं हमारे प्रत्याशी के बारे में, क्या बता जाए, हम क्या जाने? नहीं जानते क्या माहौल है मैनपुरी में? अच्छा है, बीजेपी का माहौल किसका है? बीजेपी का, बीजेपी का जी हाँ। कैसे है मैनपुरी तो गढ़ है, बिल्कुल किसका गढ़ है? बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का, बीजेपी का कहा है, मुलायम का? नहीं नहीं बीजेपी का है गढ़। कैसे है? कैसे ऐसे ही है जैसे होता है वैसे। अरे 400 सीट लेंगे अखिलेश कह रहे हैं, रोज सपने में आता है किशन जी, सपने में सोच रहे होंगे, सपने में आता होगा। हाँ क्या नाम है आपका? निशांत।
क्या कह रहे हैं? उनके सपने में आता है, वो सपने में ही देखेंगे। उनके तो सपने में कृष्ण भगवान भी आए थे। हाँ वही कह रहे हैं हम। वो कहते रह जाएंगे और पूरा का पूरा समीकरण उनका रखा रह जाएगा। तो क्या करल हार जाएंगे? करल हारे रखे हार जाएंगे नहीं, हम कहीं गए ही नहीं, हम यहीं हैं। हमारी सरकार आएगी नहीं, हमारी सरकार है। एक हमारे बघेल जी ने पूरा परिवार लगा दिया साहब क्षेत्र में वोट मांगने के लिए। आप हमसे कह रहे हो हार रहे, हम कह रहे हम जीत रहे हैं। बिल्कुल जीत रहे हैं हम। वो कह रहे थे हम सभा करने नहीं आएंगे, अखिलेश जी कहते थे हैं? चार चार सभाएं कर ली उनने, पूरा परिवार लगे, सफाई परिवार पूरा लग गया सब वोट मांगने के लिए, है ना। सब लोग सब हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांग रहे हैं। और क्या होगी हमारी जीत? इससे बड़ी हमारी जीत है क्या? कौन सी है? चलिएगा। हाँ जी भाई साहब कुछ कहना चाह रहे थे? सबसे पहले तो आपको भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने खड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं, चारों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। और मैं एक बात बताई दे रहा हूं, आपको डर है इसी वजह से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सभी लोग आ रहे हैं, कुर्सियां खाली जा रही हैं। कोई भी जीतने वाला नहीं, डंके की चोट पे जीत रहे हैं। सदर से जीत रहे, करहल से जीत रहे। एक मिनट, आपने देखी थी कुर्सी खाली थी? अरे जगह नहीं थी वहाँ पे फील्ड में, और आप कुर्सियों की बात करते हो भाई साहब। और चारों सीटें अगर आपको जीत के दिखाए तो आप जो कहना हार जाएंगे आप। अरे छोड़ा बात है आप। अरे हमारी यहाँ की भीड़, हमारे यहाँ की भीड़ ये 500-500 रुपए वाली नहीं थी, ये दिल से आई हुई भीड़ थी। प्रधानमंत्री जी सरकारी रैली, सरकारी भीड़ बुलाते हैं, क्या भूल गए हम लोग? कोविड से पहले कि हजारों हजार लोग सरकारी कर्मचारियां बुलाए जाते थे, बसों में भर के बुलाए जाते थे। आप कोविड की अगर बात, रही कोविड की बात, रही कोविड की बात, विश्व में रुक जाओ। अगर आप कोविड की बात कर रहे हैं तो भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ नहीं है, जो दो दो वैक्सीन लगवाई है हमारे लोगों को। अगर वो वैक्सीन न लगवाते तो आधी आबादी रह जाती और आधे हमारे भूखों मर जाते। उन्होंने तो इतना महान काम किया, आप कह रहे सरकार नहीं आएगी? सरकार 325 सीटें लेके आएगी कम से कम। दे रहे हैं कोविड की दुआई दे रहे हैं, देश में ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसमें वैक्सीन नहीं लगी? पूरा देश, पूरा देश परेशान है, हाहाकार है, जरूरी है प्रदेश में। नहीं, दो दो बार तो सब अन्न बट रहा है, अब भुखमरी कहाँ है साहब? अरे बोले विपक्षियों का काम ही जो है ना वो गलत बोलना है और कुछ नहीं है। आप लोग बौखला गए हो साहब। और का नहीं, जब बौखला नहीं गए और का है जी? जब बौखला नहीं तो है आपकी, आप जो कह रहे भुखमरी है, कहाँ भुखमरी है आप मुझे बताओ ना। आप मुझको बताइए कहाँ भुखमरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं देश में ये बताना चाहता हूँ, व्यक्ति हैंड टू माउथ है, डेली कमाने खाने वाला है। योजनाएं होनी चाहिए सरकार के पास कि रोजगार होना चाहिए, व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इस सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला, ध्रुवीकरण से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। रुकिए, आपके पास फिर से आता हूँ। ये भाई साहब कह रहे हैं देश गलत में चला गया, खाली कुर्सियां रहती हैं और देश भुखमरी की तरफ जा रहा है। हाँ ये कह रहे हैं देश भुखमरी की तरफ। देश का हाल चल रहा है भाई, सब लोग अपना अपना खा रहे हैं बेटा, अपना अपना कर रहे हैं, भुखमरी काई की है। कोई करी, कोई नहीं, काई चीज नहीं, नहीं काई नहीं। आदमी खाली कुर्सियां रहती है भाजपा की रैली में, काई में। अरे जाइएगा मत भाई साहब। अरे अखिलेश वाले भैया है, अखिलेश वाले नहीं, ऐसा है ना, मुझे कह रहे हैं खाली कुर्सी, हम कह रहे हैं 17 तारीख को देखा जाएगा, खाली है तो मैं भरी रहेंगी। आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंटेड मीडिया दिखाती है, मैं गया नहीं, मीडिया दिखाती है, मैंने मीडिया में देखा। आपने मीडिया में देखा था कि कुर्सी खाली थी भरी थी, पूरा फील्ड भरा हुआ था, आपने फिर कैसे कह दिया बात को? आपने ये बात कैसे कह दी? अरे सर आपने ये बात को कैसे? अरे अरे नहीं मालिक साहब, हम आपको बताते हैं, आपने कुर्सी खाली देखी? आपने कुर्सी खाली देखी? सुनिए, अरे हम नहीं बता रहे। अगर मैं एक मिनट भाई, एक मिनट, अगर आपका विपक्ष में कोई भी जो कह दे एक भी कुर्सी खाली थी, उसका जूता मेरा सिर होगा, मैं खुलिया जूता बन चेतावनी देता हूँ। कार्यालय सामने है ना, देखिए आपने कहा कुर्सियां खाली थी, सरदार जी ने तर्कशील बातें कही हैं, कोई बता दे उनका जूता और इनका सर होगा, और आप कह रहे हैं आप मान रहे हैं। सरदार जी हमसे बड़े हैं, सम्माननीय माननीय है, और सरदार जी, सरदार पलटो नहीं अपनी बात को, पलटो मत आप। नहीं मैंने टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, मुझे प्रिंटेड मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा मालूम पड़ा। कहां से देखा, दिखाइए। अब हम न्यूज़ पल्ला का जाना, आपकी दो आंखें मेरी हैं,
उस आंखों से देखो आप, योगी जी ने उन्हीं आंखों से पूरे देश का विकास कराया, पूरे प्रदेश का। मैनपुरी में उन्होंने जे नहीं देखा कौन हिंदू कौन मुस्लिम कौन सिख कौन ईसाई, सबको राशन दिया उन्होंने। सारी सरकारें विकास कराती है, कोई हिंदू मुसलमान कोई नहीं कुछ को देखता है, सब कराती है। ये नहीं है कि मेरा भुखमरी साहब, आप हमें एक भी बता दो, मैंने नहीं कहा भुखमरी। सरकार तो सरेआम लूट कराती है यार, लूट कराती है, सरेआम लूट कराती है। अरे 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 आइए 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 भाई साहब, जा कर लूट है, हमला करवा दिया दिन में ही गुंडई की है इन लोगों ने, की दिन में दम निकलती है। अरे समाजवादी के समर्थक छोड़कर चले गए, ऐसे ही अखिलेश जी भागेंगे यहाँ से। उधर देख के बोलिएगा, उधर देख के बेटा, दिन में एसपीएस बघेल उधर देखो, ब्लैक कमांडो के सामने भाषण देते ऐसे देख सकते हैं। चलिएगा देखिएगा, ये माहौल आपने देखा है, और यहाँ पर जो समाजवादी के ये मैनपुरी है, मैनपुरी गढ़ है, और यहाँ से जो अखिलेश के समर्थक थे वो सरदार जी की बातों का जवाब नहीं दे पाए। इतना घबराया हुआ इस टाइम है ना, ये लहर नहीं है, ये लहर नहीं है, ये ललकार है, और आने वाली जन कल्याणकारी सरकार है। चलिएगा देखिए, अब तक के लिए इतना ही, मैं हूँ रोहित शर्मा।